ज्ञान द ट्रेजर पर आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिवरात्रि पर व्यापार वृद्धि के उपाय। अभी शिवरात्रि आने वाला है तो एडवांस में शिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको देता हूं और जय भोलेनाथ के नाम से मैं वीडियो शुरू करता हूं। महाशिवरात्रि को व्यापार में वृद्धि के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि उपाय क्या है। वैसे तो ये दिन बहुत पवित्र होता है क्योंकि शिव जी की भक्ति करने वाले को कोई भी दैविक या राक्षसी शक्ति परेशान नहीं कर सकती है। भगवान भोलेनाथ के आगे सब नतमस्तक हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शुभ समय में पारक का शिवलिंग को स्थापित करने से व्यवसाय व नौकरी में अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही इस उपयोग से मानसिक रूप से परम शांति मिलती है। इसके अलावा एक और परेशानी होती है, वो होती है मुकदमा वगैरह में। इसके लिए भी उपाय है कि शिवरात्रि के दिन रुद्राष्टकम का पाठ 21 बार करने से मुकदमे लड़ाई जैसे कामों में आपको सफलता मिलती है। वो शत्रु नाश होता है या शत्रु के स्वभाव में परिवर्तन आता है। पारक का जो शिवलिंग होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको घर में रख रहे हैं तो पारक का शिवलिंग अंगूठे के जितना ही होना चाहिए। तो इससे इसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके जितने काम हैं वो सब बनेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होगा, हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।